वेलकम टू ब्यूटी सीक्रेट्स। टर्मेरिक टी फॉर थायराइड। थायराइड बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे कॉलर बोन में मौजूद होता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाता है। थायराइड का प्रॉब्लम मेल से ज़्यादा फीमेल में पाया जाता है। टर्मेरिक टी हाइपोथायराइड के पेशेंट्स के लिए बेस्ट है। इस टी के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका थायराइड का प्रॉब्लम हल होगा बल्कि ऐसे लोग जो कि अपना वेट कम करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये बेहद मददगार साबित होगी। टर्मेरिक टी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इसमें मौजूद हल्दी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेगी और थायराइड के नतीजे में होने वाले हार्मोन्स प्रॉब्लम को भी ये बैलेंस करेगी। इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करें ताकि आप तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। हामला ख़वातीन इस चाय का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करें। इसके अलावा अगर किसी को किसी भी तरह की कोई एलर्जी है या फिर उसको कोई भी किडनी प्रॉब्लम है तो भी वो इस ड्रिंक या चाय का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर मत करें। ये ड्रिंक 100% नेचुरल है। तो चलें अब हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो चीज़ हमें सबसे पहले चाहिए वो है ग्लास। हम यहाँ पर एक ग्लास ले रहे हैं। जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो है टर्मेरिक यानी हल्दी। हल्दी पाउडर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ तकरीबन एक चुटकी के बराबर। हल्दी थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा गुड होती है, बेस्ट होती है। ऐसे जहरीले और फासद मादे जो कि हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। मैंने तकरीबन एक चुटकी के करीब हल्दी इसमें ऐड कर दी है। सेकंड थिंग जो यहाँ पर हम ऐड करेंगे वो है काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर भी मैं यहाँ पर एक चुटकी के बराबर ही ग्लास में ऐड कर रही हूँ। दोनों इंग्रेडिएंट्स की हमने क्वांटिटी जो है वो सेम रखी है। वो अफराद जो कि अपना वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये ड्रिंक बेस्ट है, बेहतरीन है। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर हम ऐड करेंगे वो है बॉइल्ड वाटर। मैं तकरीबन एक ग्लास के करीब बॉइल्ड वाटर ले रही हूँ। ये फुल गर्म पानी होना चाहिए। मैंने इसको ग्लास में ऐड कर दिया है। अब जब ये हल्के से थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, तो इसके अंदर हम जो लास्ट चीज़ अपनी ऐड करेंगे वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। यहाँ पर जो कोकोनट ऑयल हम यूज़ करेंगे वो वर्जिन कोकोनट ऑयल होना चाहिए। अब हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड हो चुके हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपको इसको यूज़ किस तरह से करना है। इस ड्रिंक का इस्तेमाल आप डेली करेंगे और इसको आप सुबह नाश्ते से पहले नहार मुँह या खाली पेट जब आपने कुछ भी खाया पिया नहीं होगा तब आप इस ड्रिंक को इस्तेमाल करेंगे। इस ड्रिंक को आप मुकम्मल तौर पर ठंडा करके नहीं पियेंगे। हल्का गर्म होना चाहिए जब आप इसको यूज़ करें, यानी गुनगुना होना चाहिए, तब आप इसको सिप सिप करके चाय की तरह पियेंगे। इस ड्रिंक को आप सपोर्ट कर तकरीबन 1 वीक यूज़ करें। उसके बाद अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चेंज महसूस हो और आप इसको मज़ीद इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो आप 3 दिन का गैप देंगे और उसके बाद फिर से इसको आप कंटिन्यू करेंगे। वेट लॉस के लिए भी ये बेहतरीन है। ऐसे अफराद जो कि अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो इस टी का इस्तेमाल करें। 1 वीक में वो बड़ी आसानी से 3 से 4 किलो अपना वज़न कम कर पाएंगे। इस टी से ना सिर्फ थायराइड वेट लॉस बल्कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी किस्म की कोई सूजन वगैरह हो रही होगी तो ये उसको भी हील कर देगी। ये 100% इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसमें हल्दी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इस टी को यूज़ करें और अपना फीडबैक दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।